Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel Kausar Mom's Kitchen. आज की हमारी रेसिपी में हम बनाने वाले हैं मेथी की भाजी. हमने मेथी की भाजी का एक बंच लिया है, उसकी पत्तियों को हमने तोड़ लिया है. फिर हमने इसे अच्छे से वॉश करके एक छन्नी में रख लिया है. इसे बनाने के लिए हमने आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, दो कांदा कट करके लिया है, 7-8 हमने हरी मिर्च लिया है. हमारी हरी मिर्च जो है बहुत छोटी है, इसलिए हमने 8 लिया है. अगर आपके पास बड़ी वाली मिर्च हो तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हो. हमने 8 लहसुन की कलियों को बारीक चॉप कर कर लिया है. 100 ग्राम मूंगफली को रोस्ट करके उसका दरदरा पाउडर बना लिया है. हमने गैस की फ्लेम चालू करके उस पर कढ़ाई रख दिया है. हमने इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है. ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे. जीरा जो है चटकने लगा है, अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, साथ में कांदा भी ऐड करेंगे. हम कांदे को 1 मिनट तक भून लेंगे. अब हम इसमें कटा हुआ लहसुन को ऐड कर देंगे. अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे. अब इसमें हमारी मेथी की भाजी को डाल देंगे. अब इसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा लग रही है, ये पकने के बाद कम हो जाएगी. आप उसी हिसाब से नमक ऐड करिएगा. अब हम 2 मिनट के लिए इस पर ढक्कन ढक देंगे. अब हम इस पर से ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे. हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है. इसका जो पानी है वो अच्छे से सूखने तक वापस इसे 2 मिनट तक पका लेंगे. अब हम इसे खुले में ही पकाएंगे. भाजी हमारे पकने के बाद देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है. आप नमक ऐड करते समय थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा. अब हम इसमें दरदरा पिसा हुआ मूँगफलियों को ऐड कर देंगे. मूँगफलियों को ऐड करने से जो भाजी है मेथी की, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है. हमारी भाजी जो रेडी हो चुकी है, हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है. हमने मेथी की भाजी को रोटी के साथ सर्व किया है. आप इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो. ये जो मेथी की भाजी है बहुत हेल्दी और टेस्टी बनती है. आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा. अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.